हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अविनाश एंड यू वॉचिंग अविनाश ब्लॉग। दोस्तों, तो काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैमरे का, वीवो V17 Pro, जो कि ये फ़ोन है, इसके कैमरे की हम टेस्टिंग करने वाले हैं कि वीडियो क्वालिटी कैसी, पिक्चर क्वालिटी कैसी, कैमरा क्वालिटी कैसी, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। दोस्तों, उसके पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रंट कैमरे से किस टाइप की इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैं बाइक पे चल रहा हूँ और बाइक पे मतलब वीडियो का जो स्टेबलाइजेशन है वो देखना आपकी, मतलब वीडियो शेक होता है नहीं होता सब कुछ आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। मैं कैमरे को रोटेट कर रहा हूँ फिर भी मतलब इतना शेक नहीं हो रहा, तो मतलब वीडियो क्वालिटी के मामले में फ़ोन बहुत बेस्ट फ़ोन है। नाइट मोड पे कैसी इसकी वीडियो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं। अभी मतलब आसपास मेरे कोई लाइट नहीं है, मतलब बिल्कुल डार्कनेस में मैं चल रहा हूँ और बाइक पे चल रहा हूँ, तो वीडियो अगर शेक होता है तो आप देख सकते हैं कि अगर वीडियो शेक होता है नहीं होता, यहाँ से आपको इसकी वीडियो की क्वालिटी दिख जाएगी। वैसे वीडियो क्वालिटी में बहुत बेस्ट है। मैं बैक कैमरे से आपको इसकी रिकॉर्डिंग बताता हूँ, फ़ोन शेक होता है इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है बैक कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरे से वीडियो की कैसी क्वालिटी आ रही है और कैसा स्टेबलाइजेशन है, सब कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सब कुछ, आपको क्वालिटी दिख रही होगी कि वीडियो क्वालिटी इसकी कैसी आ रही है। और इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो मैं बैक कैमरे से आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ पूरा, आप देख सकते हैं पूरा मेरे पीछे जो व्यूज़ है वो, और वीडियो का स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा शेक नहीं हो रहा ये फ़ोन। बैक कैमरे की भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी जो आ रही है, और स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं कि मैं फ़ोन को मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ हिला रहा हूँ फिर भी ये शेक नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और इसमें मतलब जो 2 गुना ऑप्टिकल जूम का जो ऑप्शन है उसमें इस तरीके से वीडियो जूम हो जाता है, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी आपको दिख जाएगी है मतलब किस तरीके की इसकी जो क्वालिटी आ रही है वो है, देख सकते हैं आप। अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है ये अदर फोन से। वीडियो क्वालिटी के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपको मतलब कैमरा या फ़ोन दोनों में से एक लेना है, मतलब दोनों आपका एक साथ काम चल जाए कि कैमरे का भी काम हो जाए और आपका फ़ोन भी हो जाए, तो ये फ़ोन सबसे बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। इसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ कैसी पिक्स इसमें आ रही है इसके फ्रंट कैमरे से और रियर कैमरे से। और इसमें वाइड एंगल्स का जो ऑप्शन आता है उसमें मैं वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ आपको कि मतलब किस तरीके से वीडियो क्वालिटी उसमें आ रही है और किस तरीके से वाइड एंगल की जो वीडियो है वो बन रही है। ये जो मोड देख रहे हैं आप इस फ़ोन के कैमरे का, तो ये है अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, इसमें आप क्वालिटी देख सकते हैं और मतलब किस तरीके से वीडियो बन रहा है इसमें वो आप देख लो। मतलब अच्छी क्वालिटी आ रही है यार अल्ट्रा वाइड एंगल मोड पे भी। रियर कैमरे से जो अल्ट्रा वाइड एंगल की जो वीडियो बनती है वो कुछ इस तरीके की वीडियो बनती है, देख सकते हैं आप।
और इसमें 2 गुना जो ऑप्टिकल जूम है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसमें थोड़ा सा वीडियो शेक होता है वाइड एंगल में। अगर आप लेना चाहते हैं इस फ़ोन को तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मतलब 30,000 की रेंज में। तो वैसे थोड़ा सा कॉस्टली तो है बट अच्छा है। 48 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है और 32 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं आया तो वहाँ भी कर दो। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से इंटरेस्टिंग प्लेस के साथ, ब्लॉग वीडियो के साथ। ये तो